DSP configuration for e-way bill and e-invoice. Busy में automatic e-way bill and e-invoice generation के लिए GSP configuration करना होता है. उसके लिए e-way bill या e-invoice portal से GSP user ID and password generate करते हैं और उसे Busy में specify करते हैं. Busy 21.7.0 से पहले e-way bill और e-invoice दोनों की different configuration करना होता था. बट बिजी 21.7.0 onwards कॉमन क्रेडेंशियल स्पेसिफाई करना है ईवे बिल एंड ई इनवॉइस ऑटो जनरेशन के लिए और उस क्रेडेंशियल को वैलिडेट भी कर सकते हैं जिससे जनरेट करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. आइए देखते हैं बिजी में उसके लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन फीचर एंड ऑप्शन पर आएंगे. उसमें वैट जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और e-way bill and e-invoice required option को enable करेंगे. enable करने के बाद GSP configuration का एक tab आएगा, उस पर click करेंगे, GSP select करेंगे, जैसे कि Webtel Electroshop Private Limited और Pinnacle FinServ Advisors Private Limited. By default select automatically होता है, उसी को set करेंगे. इससे जब कभी भी एक GSP का सर्वर डाउन होगा देन लोड ऑटोमेटिकली अनदर GSP पर स्विच हो जाएगा. उसके बाद पोर्टल से जो GSP यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट किया है उसको यहां पर स्पेसिफाई करेंगे और वैलिडेट पर क्लिक करेंगे. ऐसा करने के बाद बिजी ऑथेंटिकेट करेगा GSP डिटेल्स को. जैसे कि देख सकते हैं GSP क्रेडेंशियल वैलिडेट सक्सेसफुली हो गया है. ध्यान रहे जब GSP क्रेडेंशियल जनरेट करेंगे तब दोनों GSP का करेंगे. अब नेक्स्ट GSP की डिटेल्स को स्पेसिफाई करते हैं और जब वैलिडेट करेंगे देन ये क्रेडेंशियल इनकरेक्ट है, इसके लिए बिजी ये मैसेज शो करेगा. करेक्ट क्रेडेंशियल मेंशन करेंगे और इसको सेव करेंगे. इस तरह से बिजी 21.7.0 ऑनवर्ड्स कॉमन GSP कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं फॉर ऑटोमेटिक ईवे बिल एंड ई इनवॉइस जनरेशन. ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें.